हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे ज्वाइन इंडियन नेवी के बारे में। इसमें निकल के आई है एक बहुत अच्छी रिक्वायरमेंट। तो लास्ट डेट कब की होगी, फॉर्म कब से भरे जाएंगे, नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, हम लोग इसकी ऑफिशियल वेबसाइट भी देख लेंगे और देखते हैं पूरी डिटेल्स के साथ। तो उसके पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, और यदि पसंद आए तो लाइक करिएगा, नहीं तो डिसलाइक कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं जल्दी से हम लोग एक नोटिफिकेशन की तरफ। तो दोस्तों, हर काम देश के नाम, यही नारा देने वाली हमारी इंडियन नेवी। और इंडियन नेवी में यदि आप काम करने की सोच रहे थे, रिक्वायरमेंट आपकी, आप सोच रहे थे कि कोई आपके लिए अच्छी रिक्वायरमेंट आए, और यदि आपके साथ इलेक्ट्रिकल का डिप्लोमा है तो बहुत अच्छी खुशखबरी आप लोगों के लिए मिलने वाली है, क्योंकि ऑफिसर की रैंक की जो है भर्ती निकल के आई हुई है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इसकी नोटिफिकेशन, तो आप ये देख सकते हैं इंडियन नेवी की तरफ से रिक्वायरमेंट आई हुई है। इसके लिए हम लोग इसमें क्या मांगा है इन्होंने, कितनी रिक्वायरमेंट है, क्या क्वालिफिकेशन होगी, आपके लिए मैं एक छोटी सी डिटेल यहाँ पर बता देता हूँ इस वेबसाइट के थ्रू। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फ़ीस के बारे में। तो एप्लीकेशन फ़ीस कुछ नहीं लगना है, जनरल हो, ओबीसी हो, एसटी हो, एसटी, कुछ किसी को भी कुछ भी नहीं लगना है। यहाँ पे यदि हम लोग बात करेंगे तो फॉर्म कब से भरे जाएंगे, फॉर्म भरे जाएंगे 16 जुलाई 2021 से। अंतिम तिथि कब होगी, तो 7 जुलाई 2021 इसकी लास्ट डेट होगी। तो आपको लगभग 8 दिन का समय अभी है, तो जैसे ही इसका फॉर्म लिंक ओपन होता है तो आपको वहाँ से फॉर्म भरना है, और ज़्यादा समय नहीं मिला है इसमें, तो 30 तारीख से पहले आपको इसको फॉर्म भर देना है। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे योग्यता के बारे में। उसके पहले बात करते हैं कि आपके लिए वैकेंसी कितनी निकली है। तो दोस्तों, वैकेंसी की बात करेंगे तो वैकेंसी है 40, 40 पोस्ट निकल के आई हैं। तो किसके लिए है, केवल मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल्स के लिए ये नहीं है। अब इसमें क्वालिफिकेशन क्या होगी आपकी, तो सबसे पहले तो हम ये बताएं आपको कि ब्रांच जो है इलेक्ट्रिकल जीएस की है। तो इलेक्ट्रिकल से आप समझ पा रहे होंगे कि आपके लिए जो बीई बीटेक डिग्री चाहिए होगी, इलेक्ट्रिकल से चाहिए होगी, लेकिन कम से कम 60% आपके पास, 60% का से अधिक की पासिंग मार्क्स आपके पास होने अनिवार्य हैं। यदि आपके 60 से कम है मार्क्स, तो फिर सॉरी, आप ये फॉर्म नहीं भर सकते। तो इलेक्ट्रिकल की इतनी फील्ड जो यहाँ पर दी गई हैं, इन्होंने 8 से 9 फील्ड यहाँ पर दी हैं। इनमें से यदि किसी भी फील्ड में आपने बी या बी टेक किया हुआ है, तो आप प्लीज़ इस फॉर्म को ज़रूर भरिएगा। और यहीं पे हम लोग बात करेंगे उम्र कितनी होनी चाहिए आपकी। तो आपका जो जन्म है 1/7/2002 के, मतलब 1997 से लेकर 1/7/2002 तक ही हुआ हो, 2002 के बाद और 1997 के पहले के कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 2019, 1997 के बाद से लेकर के 2002 के बीच में है, तो आप कृपया इस फॉर्म को ज़रूर भरिएगा, ये मेरी आप लोगों से विनती है। आपको फॉर्म कैसे भरना है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, या आप ये वेबसाइट खोल करके यहाँ से फॉर्म भर सकते हैं। ज्वाइन इंडियन नेवी डॉट जी ओ वी डॉट इन के नाम से इस वेबसाइट को माना जाता है, बताया जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।